तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों आज और एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों फिर मैं जिस तरह बोलबम स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखे। बहुत भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई बोलबम स्टेटस ट्यूटोरियल लेकर आओ, तो मैं फाइनली बोलबम स्टेटस ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आप भी इस तरह बोलबम स्टेटस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखे। बहुत सिंपल है इस तरह स्टेटस को बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मैं टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिन यूज करने वाला हूँ सभी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइड मोशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूं। तो देख सकते हो मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूं। तो आप भी एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और यहां पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहां पर आ जाना। प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों यहां पर जो सॉन्ग बीट मार्क है, ये सॉन्ग बीट मार्क को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और ये प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं तो अगर नहीं पता है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीट मार्क को कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है, ये सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद दोस्तों इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरह मैं ऐड करके रखा हूँ, पहले से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो भी लेयर है ये लेयर को कुछ भी छिड़कानी नहीं करना है सबसे पहले देखो। और जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको सॉन्ग लिरिक्स जो है वो लिखना पड़ेगा। तो आगे आ जाना, आगे देखो कुछ इस तरह मैं शुरू में कुछ इस तरह ऐड करके रखा हूँ, देख सकते हो एक इफेक्ट। उसके बाद देखो एक फ़ोटो है और फोटो में इफेक्ट है। और ये रेक्ट एंगल में आपको लिरिक्स लिखना पड़ेगा जिससे कि मैं मेरा नाम लिख कर रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो फोटो है या फोटो को रिफ्रेश करना होगा, नहीं तो एक फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मैं फ़ोटो एक ऐड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जिस फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और जिस फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मैं आप सभी को दिखाने के लिए ये वाला फ़ोटो को मैं ऐड कर लिया हूँ। फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों ऐसा करके फोटो को फुल स्क्रीन करना है। फोटो को फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों इसका जो लेयर है एकदम एंड तक आपको लाना पड़ेगा कुछ इस तरह करके, देखो। तो ऐसा करके एकदम एंड तक इसका जो लेयर है वो ले आना है। उसके बाद ऐसा करके दबा के रखना होगा और ये जो रेक्टेंगल है उसके नीचे कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में जो इफेक्ट है वो कॉपी करके यहाँ पर जो फोटो है ये वाला फ़ोटो में पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाला जो फोटो है ये फ़ोटो को डिलीट कर देना। देखो कुछ इस तरह यहाँ पर फ़ोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और फोटो देखो कुछ इस तरह मूव होते हुए देखने को मिल जाएगा कुछ इफेक्ट। तो दोस्तों आगे आ जाना। तो आगे आने के बाद दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो लिरिक्स है वो लिखना पड़ेगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए आपको सॉन्ग को प्ले करके सुनना पड़ेगा। तो आप लोग सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिरिक्स है मतलब मेरा नाम का जो लेयर है लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना और मेरा नाम का जो लेयर है वो सॉरी मेरा नाम को कट कर देना। कट करने के बाद दोस्तों नोटपैड ऐप में आ जाना और देखो ये जो लिरिक्स है ये लिरिक्स मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, उधर से कॉपी करके नोटपैड ऐप में पेस्ट करके रख लेना। और फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद और कुछ भी यहाँ पर छिड़कानी नहीं करना है, खाली टिक करना है। टिक करने के बाद देखो कुछ इस तरह मैं इफेक्ट पहले से ऐड करके रखा हूँ। खाली ये जो फोन है ये फोन को डाउनलोड करना है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और ये फोन मैं पहले भी यूज़ किया हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना, नहीं होगा नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो देखो हमारे जो फर्स्ट जो लिरिक्स वो ऐड हो चुका है। तो सेकंड लिरिक्स ऐड करने के लिए ये लेयर को कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद दोस्तों अगला जो बीट है ये बीट में पेस्ट लेयर कर देना। और ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको छोटा कर लेना। तो देखो ये लिरिक्स लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन को टच करके ये वाला ऑप्शन को टच कर देना तो छोटा हो जाएगा। तो फिर से ये सॉन्ग को सुन लेना।
और सॉन्ग को सुनने के बाद उससे ये लिरिक्स लेयर को टच करना, डबल टेक्स्ट में आके ये लिरिक्स को हटा देना। उसके बाद नोटपैड ऐप में फिर से आ जाना और अगला जो लिरिक्स है वो कॉपी करके फिर से अलाइड मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों टिक कर देना, तो देख लेना लिरिक्स जो हमारा है वो सही है कि नहीं, तो ठीक से एडिट वगैरह कर लेना। तो ठीक से एडिट करने के बाद दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा करके मतलब आप लोग यहाँ पर जो लिरिक्स है वो लिख लेना एकदम एंड तक, एकदम एंड तक लिरिक्स को लिख लेना। और लिरिक्स ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आना होगा, ये बीट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और एक यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे। तो ये वाला जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो मैं पहले भी यूज किया हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। देखो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसका जो साइज है वो ठीक से सेट कर लेना। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लेंडिंग कैपेसिटी ऑप्शन में आना, लाइटिंग ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद देखो इसका जो लेयर है वही जो फोटो है ये फोटो के नीचे, सॉरी यहाँ पर जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल के नीचे कर देना, तो कुछ इस तरह यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो इसका जो लेयर है वो ये बिट तक रखना है और बाकी पार्ट कट करके हटाना है, देखो कुछ इस तरह। और इस वीडियो का जो वॉल्यूम है वो जीरो कर देना, तो देखो कुछ इस तरह आपको करना है। और इस तरह करने के बाद दोस्तों आगे आ जाना, आगे आने के बाद दोस्तों ये जो बिट है ये बिट में फिर से और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और देखो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को आपको ऐड करना है। देखो ये वाला, तो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके। और ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर को टच करना, मूव वाला ऑप्शन में आ जाना, रोटेट ऑप्शन में आके ऐसा करके -90 डिग्री रोटेट कर लेना, नहीं तो आप प्लस भी कर सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद इसका जो साइज है साइज को फुल करना है, देखो फुल स्क्रीन करने के बाद एक बार बैक करना है, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आना है, लाइटिंग ऑप्शन में आने के बाद स्क्रीन करना है, स्क्रीन करने के बाद और यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी आप लोगों को नहीं करना है, देखो कुछ इस तरह यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, देखो आगे आ जाना, आगे आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और सॉरी देखो ये वाला जो पिंजी बॉर्डर है ये वाला पिंजी बॉर्डर को ऐड कर लेना, तो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करके एलाइट मोशन में ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद दोस्तों इसका जो लेयर है एकदम एंड तक ले आना, कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा बॉर्डर, देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसा करके जैसे मैं देखा ऐसा करके आप लोग स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को सेव कर लेना। तो वीडियो को सेव करने के लिए देखो यहाँ पर शेयर ऑप्शन को टच करना पड़ेगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।